तो हम देखते हैं NS 160। सो 1 2 3 गो। तो ये है NS 160। देखिए अभी आप वहां देख रहे हैं NS 200, और ये देखिए, और ये है NS 160। तो कुछ फर्क नहीं है, आप देख सकते वहां पे खड़ी है NS 200 और यहां खड़ी है NS 160। तो चलिए अब इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बता दिया जाए कि इसमें क्या है, कितना सीसी है, इसमें कौन से टायर है, इसमें कौन सा कूलिंग है। जैसे कि मैं आपको स्पेसिफिकेशंस बताने जा रहा हूँ, आज हम अपना दो बाइक के साथ कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, एक पल्सर NS 200 और एक पल्सर NS 160। तो सबसे पहले मैं आपको पल्सर NS 200 के बारे में बताना चाहता हूँ। पल्सर NS 200 में 200cc का इंजन है, डुअल डिस्क ब्रेक है, 1 मोनो नाइट्रॉक्स सस्पेंशन है, और इसका जो इंजन टाइप है वो 4-stroke 4-valve लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर है। और अभी हम बात करेंगे ब्रेक्स एंड सस्पेंशन के बारे में। तो इसका जो रेयर सस्पेंशन है वो मोनो सस्पेंशन विथ नाइट्रॉक्स है, और इसका जो फ्रंट सस्पेंशन है वो टेलीस्कोपिक फ्रंट फ्रोक विथ एंटी फ्रिक्शन बस है। अगर फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की हम बात करें तो इसका फ्यूल टैंक का कैपेसिटी 12 लीटर्स है, और इसका ग्राउंड क्लियरेंस 169 mm है। अगर हम इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो इसका जो फ्रंट हेडलैम्प है वो पायलट लैम्प है, और इसको LED टेल लाइट्स भी दिए। अगर ओवरऑल स्पेसिफिकेशन अगर आप देखा जाए तो इस स्पेसिफिकेशंस के साथ आपको ये वाली NS 200 बाइक वैल्यू फॉर मनी बाइक है, आप इसे आसानी से खरीद सकते हो। अभी हम बात करते हैं NS 160 पल्सर की। एज कम्पेयर टू NS 200, इसमें सिर्फ सिंगल डिस्क ब्रेक है, और पीछे का जो ब्रेक है वो ड्रम ब्रेक है। इसमें 160.3cc का इंजन है, इसमें भी मोनो सस्पेंशन नाइट्रॉक्स का सस्पेंशन है, और इसमें जो गियर्स है वो 5 गियर्स है। और NS 160 का जो फ्यूल कैपेसिटी है, फ्यूल टैंक का कैपेसिटी एज कम्पेयर टू 200NS, दोनों का सब सेम है। उसमें भी 12 लीटर का कैपेसिटी है और 160 में भी 12 लीटर का कैपेसिटी। और 160NS में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इस बाइक में 1 किक दिया गया है। सो हम कहीं पे भी इन केस ऑफ इमरजेंसी बाइक कहीं पे भी अगर बैटरी लो होने की वजह से बंद हो जाती है तो हम किक मार के उसको स्टार्ट कर सकते हैं। और एक बात, एज कम्पेयर टू NS 200 में लिक्विड कूलेंट इंजन है और NS 160 में ऑयल कूलेंट इंजन है। अगर आप NS 160 को लॉन्ग राइड पे लेके जाना चाहते हो तो वो भी आप आसानी से लेके जा सकते हो, कि इसमें ऑलरेडी ऑयल कूलेंट इंजन है जो इंजन को हर वक्त मेंटेन रखता है उसका टेम्परेचर। सबसे आखिरी बात, अगर आप दोनों के लुक को लेकर कंफ्यूज्ड हो तो मैं आपको ये बात एकदम क्लियर बताना चाहता हूँ कि पल्सर NS 200 का लुक और पल्सर NS 160 का लुक, दोनों का लुक सेम है। दोनों का ग्राउंड क्लियरेंस, दोनों का डायमेंशन, दोनों का लेंथ और हाइट सब सेम है। तो द चॉइस इज योर्स। अगर आपको हायर सीसी चाहिए तो आप 200NS सिलेक्ट कर सकते हो। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द 150cc बाइक, देन 160NS इज द गुड चॉइस फॉर यू, गो फॉर इट।